मोटर्स ने लॉन्च किया दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, 1 रुपए में चले 1 किलोमीटर। नमस्कार, मैं अंजलि सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर टुडे। खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां पर दिनांक 20/1/2023 को टाटा मोटर्स के अनन्या ऑटो एजेंसी की न्यू शोरूम का ब्रांच कुम्हरार कंकड़बाग पटना में उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री सुमित कुमार सिंह द्वारा रिबन काटकर और अनन्या ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजय सिंह, एमडी घुंगरू भार्गव, एक्स एमएलए जमुई, वहीं टाटा मोटर्स के टीएसएम मोहम्मद सोएब, अनन्या ऑटो एजेंसी के जनरल मैनेजर मिस्टर अमरजीत कुमार कर्ण, सेल्स मैनेजर कुम्हरार मिस्टर दानिश खान, ईवी सेल्स मैनेजर मिस्टर अमित कुमार एवं अनन्या ऑटो एजेंसी के सभी कर्मचारी, साथ ही बैंकर्स और कस्टमर द्वारा दीप प्रज्वलित करके इस शोरूम का उद्घाटन किया गया। यही नहीं, इस मौके पर टाटा मोटर्स के न्यू कार टाटा टियागो ईवी मॉडल की लॉन्चिंग भी की गई। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कार में बैठकर पूरे फीचर की जानकारी प्राप्त की। वहीं कंपनी के जनरल मैनेजर अमरजीत कुमार कर्ण ने कहा कि आज शोरूम की ओपनिंग के दिन 10 गाड़ियों की बुकिंग और 4 गाड़ियों की रिटेल हुई है। अब तक पूरे देश में लगभग 10,000 से अधिक गाड़ी की बुकिंग हो चुकी है, जिसमें अनन्या मोटर्स के यहाँ से 100 से अधिक गाड़ियों की बुकिंग हुई है और टाटा टियागो ईवी लगातार ग्राहकों को लुभा रही है, जिसे देखकर लगता है कि भविष्य में गाड़ी की मार्केट काफी अच्छी होगी। यह गाड़ी ग्राहकों को काफी लुभा रही है, क्योंकि 1 किलोमीटर सिर्फ 1 रुपए में चलने वाली गाड़ी पहली बार टाटा ने ऐसे कार को मार्केट में उतारा है।